हमारे घरों में शादी ब्याह बहुत धूमधाम से मनाई जाती है। रंगारंग तकरीबात, फूल गजरे, नाच गाने, लड़की और उनके रिश्तेदार खूब दिल भर के तैयारियां करते हैं। सबसे पहला फंक्शन माइयों का फंक्शन होता है और माइयों का रंग होता है पीला। माइयों के इस फंक्शन में बहुत सी रस्में होती हैं। आज के हमारे शो में आप देख सकेंगे माइयों की रस्में, गाने और बहुत सी मजेदार एक्टिविटीज। तो देखते रहिए आपका साहिर। क्योंकि इसमें बहुत सारी चीज़ें हैं। सबसे पहले तो इतने हसीन लोग बैठे हैं यहाँ पर, तालियां बजाइए अपने। और आज शाम को, अच्छा यहाँ, अरे यार यहाँ पर भी हसीन लोग बैठे हैं, इनके लिए, इन हसीन लोगों के लिए बहुत सारी तालियां। सबसे ज़्यादा हसीन इसमें है वली शेख, तो वली के लिए बहुत सारी तालियां जी, बहुत ज़्यादा हसीन है। उसके बाद बेतहाशा हसीन, शिद्दत से हसीन सलमा के लिए बहुत सारी तालियां जी। और ऑफ कोर्स मुस्कान जे बहुत हसीन है, वो भी हसीन मुस्कान के लिए प्लीज बहुत सारी तालियां। एंड देन हसीन ओफेरा के लिए बहुत सारी तालियां। और बेतहाशा हसीन परवशा के लिए बहुत सारी तालियां। और हसीनों की आखिरी गिनती लेडीज एंड जेंटलमैन सदफ के लिए बहुत सारी तालियां। और खुदा इनकी तरह का हसीन किसी को ना बनाए लेडीज एंड जेंटलमैन शहजाद शानी के लिए बहुत सारी तालियां। और साथ में एक और हमारे यहाँ हुस्न की देवी सोट हैं, तो जारा प्लीज तशरीफ लाइए, जारा के लिए बहुत सारी तालियां। और कोई हसीन रह तो नहीं गया, प्लीज बता दीजिए। एनी मोर हसीन ओवर देयर प्लीज, अगर कोई और हसीन है तो बता दें मुझे। एनी अदर हसीन, कौन? नहीं नहीं, और तो हसीन कोई नहीं है। चलिए जी, अभी हसीना हसी अभी आहिस्ता आहिस्ता और हसीन आएंगे। खुश, ठीक है, अब सही है, परफेक्ट ना। तो सारे और उधर भी कुछ हसीन है और यहाँ भी कुछ हसीन है, इन सब हसीनाओं के लिए बहुत सारी तालियां। नहीं नहीं नहीं, आज तो बड़ा अच्छा शो है और इस शो के आखिर में एक ऐलान भी है मेरी तरफ से, तो ज़रा उसको सुनिएगा क्योंकि उसके बाद मैं आपको बताऊंगा। आज पाकिस्तान थोड़ा सा तब्दील हो जाएगा, शाम को मेरी एक प्रेस कॉन्फ्रेंस है, उसके बाद पाकिस्तान थोड़ा सा तब्दील हो जाएगा, खासा हद तक तब्दील हो जाएगा। आज अभी मैं कोई बात नहीं करता, लेकिन शो के एंड में बात करूँगा। और इसके बाद आज जो शाम की कॉन्फ्रेंस होगी, आप लोग अपने घर जाके ज़रूर देखिएगा, न्यूज़ 1 पर लाइव होंगे हम और साथ साथ वेब पे मैं लाइव होऊंगा, क्योंकि आज कुछ मैं अपने दोस्तों से बात करूंगा और कुछ उनके बारे में आपको बताऊंगा और ये बताऊंगा, फिर फैसला पाकिस्तान पे छोड़ूंगा। मैं आज तक कभी कुछ नहीं बोला, लोगों ने मेरे बारे में बात की मैं चुप रहा, लोगों ने मुझे बुरा भला कहा मैं चुप रहा, आपने मुझे गालियाँ लिखी मैं चुप रहा, आपने मुझे हर वो चीज़ कही जो एक इंसान को नहीं कहनी चाहिए, क्योंकि मैंने आपके घर में कुछ नहीं किया। मैंने ना तो कभी चोरी की, ना कभी डाका डाला, ना आपको बुरा भला कहा, कुछ नहीं कहा मैंने आपको, लेकिन इसके बावजूद आप मुसलसल मुझे बोलते रहे और मैं चुप रहा। लेकिन कल, अब ये बात मुझ तक नहीं है, ये बात मेरी नहीं है। जब ये बात मेरी नहीं है तो फिर मैं आवाज़ उठा सकता हूँ, क्योंकि उसमें मेरा कोई इंटरेस्ट नहीं है। अब मुझे इस बात की फिक्र नहीं है कि फिल्म बिजनेस करेगी नहीं करेगी, अब मुझे इस बात की फिक्र नहीं है फिल्म पास होगी या फ्लॉप होगी, अब मुझे इस बात की फिक्र है कि अगर मैंने आपको एक्सपोज नहीं किया तो मैं अपने अल्लाह को क्या जवाब दूंगा और मैं आपको क्या जवाब दूंगा। तो आज शाम को देखना, आज शाम को मज़ा है, आज शाम को ज़रा डिफरेंट बात है। आज शाम को आप उस साहिर लोधी से मिलेंगे जो हमेशा साहिर से हारा है। आज शाम को साहिर हारेगा और साहिर लोधी जीतेगा। तो ज़रा शाम तक इंतज़ार करो,
देख तो तुम रहे होगे, तीन लोग हैं और चौथे के बारे में एक वीक के बाद बात करूंगा। सो लेट्स स्टार्ट द शो। अरे क्या है ना, दोबारा करो, 1 2 3 एंड वी। हाँ जी, और आपके लिए या आप लोगों के लिए कर लें। कहंदे ने नैना तेरे कोल रहना, कहंदे ने नैना मेरे दिल दा तू गहना, कहंदे ने नैना तेरे कोल जमैन। आज का शो है मायों की रस्मों के बारे में। आपके घर में अगर शादियां हो रही हैं तो आप आज हमारे शो को एंजॉय कर सकते हैं, क्योंकि आज हम बात कर रहे हैं मायों की उन सारी रस्मों की जो आपके घरों में होती हैं शादियों के लिए। आज इकरार करनी तेनु प्यार करनिया, आज इकरार करनिया मैं तेनु प्यार करनिया, मंगे चंगे तंगो की कहना चाहिए आवाज है। और जरा तालियां होनी चाहिए। हाथ ऊपर, कैमरा आप लोगों पे है, हाथ ऊपर। तुम मिले चैन मिल जाना, तुम मिले चैन मिल जाना, तुम मिले चैन मिल जाना, तेरे बिन चैन नहीं आना। और ऐसे में अरोहा के लिए बहुत
एक और हमारे यहाँ हसीन अरोहा आई हैं, तो प्लीज उनके लिए बहुत सारी तालियां। अच्छा जी, अच्छा यार थोड़ा सा म्यूजिक वगैरह दे दो, और चूंकि तबीयत वगैरह ठीक नहीं मेरी, तो थोड़ा सा जरा आप लोग बोल लीजिएगा, खुद ही कैरी कर लीजिएगा शो। आज आप बहुत अच्छे लग रहे हैं। नहीं नहीं भाई, वाकई कसम खुदा। हाँ हाँ वाकई, तो फिर तेरे दान बैना है, है? Alright, ladies and gentlemen, please put your hands together for again, once again, हसीन उरूज, please आ जाइए। भाई आपने इतना अच्छा गाना गाया अभी माशाल्लाह से पंजाबी में, कैटरीना की समझ में आ जाएगा ये गाना? ये आपके दिल की आवाज थी ना उसके लिए, है ना? आप तो समझते हैं। मैं तो समझता हूँ भाई, वो दीपिका मेरे बारे में बड़ा सोचती है। अच्छा? हाँ हाँ, जाहिर है यार, बहने भाइयों के बारे में सोचती हाँ। अब बहन नहीं सोचेगी भाई के बारे में तो कौन सोचेगा? भाई यहाँ भी बहने वहां भी बहने, मैं कहाँ जाऊँ? अच्छा अच्छा जी, कैसे हैं उरूज आप? ठीक ठाक हैं? आपको माइक लगा हुआ है? जी लगा। शुक्र खुदा का, आपको भी लगा हुआ है? ओह दैट्स लवली। अब किसी के पास, सबके पास माइक है ना? एवरीवन हैज इट। ज़िशान के लिए बहुत सारी तालियां। अच्छा अच्छा, ये बताइए ये बताइए, किसी के पास कोई बचा हुआ तो नहीं है जिसके पास, तुम्हारे पास माइक नहीं है ना ज़ारा? है, मेरे पास है, but I can see someone जिनके पास माइक तो है लेकिन लगा हुआ। And the way she was looking at you, ये रहा। ये मुझे दिखाइएगा एक मिनट। यार ये देखो यार, ये क्या है यार? अच्छा जी, पापा कहते इस वजह से लगाया नहीं। ओ, ओ, तो अच्छा ओके, हाँ मेरे आने पे तो सारे काम करते हैं आप लोग। अच्छा ये बताइए, आज हम क्या देखने जा रहे हैं शो के अंदर? रस्में हैं मायों की, तो क्या क्या करने जा रहे हैं, क्या देखने जा रहे हैं हम? मायों एक ही तरह का नॉर्मली होता है, लेकिन ये कि अब जरा थोड़ी सी चीजें चेंज हो गई हैं। अच्छा, मेरा एक सवाल है सबसे, क्या मायों फर्क नहीं होता? मतलब आप पंजाब में जाएं तो थोड़ा सा मायों डिफरेंट है, सरहद में जाएं तो डिफरेंट है, बलूचिस्तान जो डिफरेंट कास्ट के लोग होते हैं, मतलब एक शहर के अंदर भी, एक सूबे के अंदर भी डिफरेंट कास्ट के जो लोग होते हैं उनकी भी रस्में डिफरेंट होती हैं। रियली? हां, और एवरीवन डज। बड़ी खूबसूरत रस्म है सिंध में, जो कि बड़ा येलो कलर का पूरा कपड़ा डाल देते हैं और उसमें आंखें बनी होती है और वो बच्ची का मुंह कवर होता है, वो 7 दिन पहले बिठाते हैं। बलोचों में भी है, सिंधियों में भी है। और मजे की बात ये है कि वो पूरे 7 डेज छुरी से कटी हुई कोई चीज नहीं खाती। हाँ, बाद में तो जाहिर है शौहर को काटना था। उसको नट्स दे देंगे, कौन सी चीज खाएंगे बाद के अंदर, तो बेचारा कहता है आप तो अच्छी थी, आपको क्या हुआ? लेकिन ये कि बड़ी ही खूबसूरत रस्में हैं कि वो जो 7 दिन माइयों बिठाया जाता था, बच्ची घर से बाहर नहीं निकलती थी, पीले जोड़े में है और उपटन मले जा रहे हैं और ढोलकियाँ हो रही हैं, बड़ी उसकी खातिर तवाज़ो होती थी, तो ये बड़ी खूबसूरत रस्म। ये वही रस्म है जिसके अंदर हल्दी वगैरह मली जाती है और आपको उपटन मला जाता है। ओके ओके। अच्छा मर्दों में नहीं होती है? मर्दों नहीं, मर्दों में भी होती है, लेकिन 2 महीने बिठाया था मुझे, उसके बाद ये निकल के आए हैं। फिर भी ऐसे ही निकला मैं, इसका कोई फायदा नहीं हुआ भाई। नहीं आप ये देखें, वो 2 महीने बैठने के बाद आप ऐसे हैं। नहीं लेकिन बड़ी बड़ी बात है। मुस्कान आप कुछ कह रही थी? बिल्कुल, मैं ये कह रही थी कि पंजाब में बहुत डिफरेंट होता है और पंजाब की शादियां काफ़ी फेमस भी हैं, यू नो, उसमें खासकर पंजाबी जो म्यूज़िक होता है वो बहुत ज़्यादा इन होता है, भंगड़े और लाइक जिस दिन से शादी डिसाइड होती है वैसे उस दिन से शुरू, लेकिन 7 डेज के बाद जो है ना डेली उनके कुछ ना कुछ इवेंट्स हो रहे होते हैं, तो वो बहुत मज़े की रस्में होती है। बाकी पंजाब की डिफरेंट होती हैं शादियाँ। अभी रिसेंटली मुल्तान में एक फैमिली ने जहेज दिया 3 करोड़ का भाई, सीरियसली। अच्छा नहीं, पंजाब की जो शादी होती है 3 करोड़ रुपए का, और सोने का सहरा लड़के को पहनाया और लायन था उसके ऊपर बारात आई। देखिए जी, 4 जायज हैं। पिक्चर में बहुत पैसा लग गया।
इसलिए अगर कोई ऐसी लड़की है जो मुझसे शादी करना चाहती है तो प्लीज हाथ उठा ले, लेकिन 3 करोड़ का जहेज चाहिए उसके अलावा नहीं। मजाक किया तक है, इसके अलावा नहीं। आप अल्लाह ताला को मुबारक करें, लेकिन साथ साथ जहाँ पर ये रस्म है बहुत खूबसूरत बहुत हसीन रस्में होती हैं, लेकिन ऐसा भी ख्याल कीजिए कि वो लोग जो अफोर्ड नहीं कर सकते, आई थिंक थोड़ी सी उनकी भी आगे निकल के हेल्प करनी चाहिए। छोटा सा एक ब्रेक है जी, आपसे मिलते हैं ब्रेक के बाद, विल बी राइट बैक। आपके लिए, मुस्कान के लिए बहुत सारी तालियां जी।
थैंक यू जी, बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू जी, बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया. हम सब लोगों को थोड़ा थोड़ा सा हो गया था. अच्छा यहाँ से शुरू करते हैं. दोबारा से चल गया था. दो दफा सुनाया है. अरे हमारे म्यूजिक वाले भी ना कौन. एक सेकंड आप लोग बात नहीं करें, ये तो कुछ इत्तला मिली है मुझे. हमारे जो पीसीआर में बैठे काशान है, काशू बेटा क्या चाह रहे हो तुम, क्या चाह रहे हो बता दो, सच सच बता दो. आप लोग जरा एक जरा ये उतारिएगा तो सही, जरा एक कैमरा उतार लें कंधे पे. मैं काशू को दिखाना चाहता हूँ क्योंकि अक्सर औकात ये होता है कि काशू जब भी किसी खातून को देखते हैं तो काशू बहुत सारी चीज़ें भूल जाते हैं. ज़रा उतार लीजिए कैमरा. मना कर रहे हैं ना, बोलिए मैं बोल रहा हूँ. मैं बोल रहा हूँ उतारिए. मैं इस कैमरे को पीछे आपको दिखाना चाहता हूँ कि हमारे परंतु काशू जी कौन से हैं. आपको पता चलेगा कि उतारे कैमरे को उतारे, खोल दीजिए. काशू फिकर नहीं करो, हम आ रहे हैं. पहले तो काशू के लिए तालियां बजाइए. उतारिए जी. काशू को यहाँ ना बुलाएं, क्यों यहाँ बुला लें काशू को. क्या है अच्छा ये नहीं, ये नहीं, ये नहीं, ये नहीं. इट्स अ फैमिली शो. लव यू काशू. हाँ हाँ, लव यू काशू. लाइक अ ब्रदर, दैट्स व्हाट यू टू से. लाइक अ ब्रदर, यस लाइक अ ब्रदर. काशान को जरा यहाँ भेज दीजिए प्लीज, एक मिनट के लिए. काशान यहाँ आ जाए, जरा देख लें क्योंकि हमारा कैमरा नहीं जा सकता. और अगर तुम नहीं आओगे तो मैं चला ब्रेक के बाद. नहीं अभी क्या मेकअप करेगा वो. अनुष्ठान क्या होगा, सिर्फ आपको यहाँ पर आना है और जाना है. दैट्स इट, दैट्स इट. और काशान के लिए हम लड़का भी लड़की भी ढूंढ रहे हैं. सॉरी सॉरी सॉरी, नो 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 नो, लड़की ढूंढ रहे हैं, लड़की ढूंढ रहे हैं. आई एम रियली सॉरी. बुलाइए काशान को जी, काशान को बुला लीजिए प्लीज. और मैं शो आगे नहीं करूंगा जब तक काशान यहाँ आएगा नहीं. काशान नीड टू बी हियर. आ रहे आ रहे आ रहे. काशू 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 काशू. माइक खोल दीजिएगा जरा. इस शरारत की वजह क्या थी, कौन सी, क्या मतलब आपने गाना दोबारा क्यों चलवाया. नहीं एक दफा चला, दो बार चला, दो बार चला. अंतर रिपीट हुआ, अंतर रिपीट हुआ, फाइल में रिपीट होगा मेरे पास. एक दफा चला. अच्छा एक दफा. अच्छा मैं भी सोच रही हूँ कि क्यों आया जा रहा, बंद क्यों नहीं हो रहा. हम भी ये सोच रहे थे बंद क्यों नहीं हो रहा. भाई ये काशू थे जी, आपको क्या लगा. नाकू लगे मुझे तो ये. अच्छा पहले ना मायों के गीत जो हुआ करते थे वो बड़े कमाल हुआ करते थे, बहुत कमाल हुआ करते थे जो मायों पे गाए जाते थे. आजकल थोड़ा सा ट्रेंड चेंज हो गया कि आज भी ढोलक पे बजते हैं मायों के गीत. बजते हैं, बिल्कुल बिल्कुल बजते हैं, ढोलक बजते हैं. तो कौन सा सबसे खूबसूरत गीत है जो आप लोग हमको सुना सकते हैं इस वक्त. कोई गीत याद है आप लोगों को. बोलिया और डप्पे शप्पे ज्यादा होते हैं. हाँ हाँ, आई नो बट आई डोंट नो कि कौन से गीत है. मायों का है तो हम मेरे नेहर से. मेरे नेहर से आज मिल जाए, सलमा को याद है. ट्रेडिशनल सा सॉन्ग है. आप लोगों का माइक है. नहीं मेरे नेहर से आज मैं ले आऊंगा. ये बहुत उसमें रिश्तों का इतने मोहब्बत के साथ जिक्र किया हुआ है उस गाने में. हम सब गाएंगे मेरे नेहर से आज मुझे आया. आप लोग ढोल बजाएंगे. 1 2 3 4 गो बजाइए.
मुझे जो गाना याद है पता नहीं क्यों मुझे ये वाला गाना याद है, थोड़ा सा बढ़ाइएगा इसको। चिट्टा कुकड़ बने रे ते, चिट्टा कुकड़ बने रे ते, कासनी दुपट्टे वाली मुंडा सज के तेरे ते, कासनी दुपट्टे वाली मुंडा सज के तेरे ते, पिपली दियां छावां ने, पिपली दियां छावां ने, अपे हाथ डोली तोर के माफ करन दुआवां ने, अपे हाथ डोली तोर के माफ करन दुआवां ने, हीरा लख सवा लख दाए, हीरा लख सवा लख दाए, दिया वाले दिया रब इज्जता रख दाए, दिया वाले दिया रब इज्जता रख दाए, चिट्टा कुकड़ बने रे ते, चिट्टा कुकड़ बने ते, कासनी दुपट्टे वाली मुंडा सज के तेरे ते, कासनी दुपट्टे वाली मुंडा सज के तेरे ते। अच्छा अब एक काम करते हैं, अब एक काम करते हैं, ये टीम इधर और ये टीम इधर। हम जब अंताक्षरी खेलते हैं तो बहुत सारे इंडियन गानों का मुकाबला होता है ना, इंडियन गाने बहुत गाते हैं। आज देखते हैं कि हमारे इन लोगों को पाकिस्तानी कितने गाने याद हैं। हाँ हाँ, मेहंदी मायों के गाने सब शामिल हैं। ठीक है जी, लेट्स स्टार्ट दिस। आप किसी एक और माइक दे दीजिए इधर भी जो है आपके पास। ठीक है जी, दोनों खोल दीजिएगा। 1 2 3 आप लोगों से शुरू करते हैं। सलमा आपकी टीम से शुरू करते हैं। हाँ जी, आया लाड़िए ये शानी भाई के लिए है, शानी भाई के लिए। हाँ ये खोलिए जरा इसको, ये शानी भाई के लिए। प्यार भरा दिल लेकर मैं तो आया था, उसकी दरबार देकर लूट लिया मेहमान, प्यार भरा दिल लेकर मैं तो आया था जापान, उसने दरबार देकर तुम्हें लूट लिया मेहमान, मेरे दिल पर जादू कर गई आंख धरी मस्तानी, हो गुड़िया जा पानी, हो गुड़िया जा गुड़िया जा जा पानी, हो गुड़िया जा पानी, अलिफ अच्छी काफ से गुड़िया जीम से जा पानी, लूट लिया है तूने एक मुसाफिर पाकिस्तानी, हो गुड़िया जा पानी, हो गुड़िया जा पानी, हो गुड़िया जा पानी, हो गुड़िया जा पानी। ये अदा है,
हाँ हाँ कोई बात नहीं कोई बात नहीं, कॉलर लगे मैं गाई गई। अलिफ 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 अरे अरे दिल के सहारे शानी भाई छा गए। अरे अरे आपको इनकी उम्र का अंदाजा हो रहा है? छोटा सा एक ब्रेक है जी, आपसे मिलते हैं ब्रेक के बाद, क्योंकि आरे आरे के बाद जा रहे भाई खुदा का वास्ता चले जाए। छोटा सा एक ब्रेक है, आपसे मिलते हैं ब्रेक के बाद मुकाबला है, मुकाबला है। एक मिनट बता दूं ना मैं, ब्रेक के बाद हमारे पास ये गुब्बारे लगे हुए हैं, ये टीम डार्ट्स लेगी और गुब्बारे को मारेगी और पैसे कलेक्ट करने हैं, एंड देन यहाँ पर ये टीम जो है गुब्बारे लेगी और उसको डार्ट को गुब्बारे से फोड़ेगी, गुब्बारे को डार्ट से फोड़ेगी। लेट्स सी हु विंस, छोटा सा एक मुकाबला है। इसके बाद आपको बताएंगे कि बटन कैसे टाँके जाते हैं। आज हमारे जितने लोग यहाँ पर बैठे हैं ये सब बटन टाँकेंगे और कुछ और भी चीज़ें हैं, फूल बनाएंगे, गजरे बनाएंगे, और उसके बाद हमारी दुल्हन जो है उसका हमें इंतजार होगा। छोटा सा एक ब्रेक, आपसे मिलते हैं। गेम है जी डार्ट्स का, हम एक नया गेम शुरू कर रहे हैं। मायों की रस्म के अंदर आप लोग ये नया गेम इंट्रोड्यूस कर सकते हैं। आज हमने पहली मर्तबा पाकिस्तान की हिस्ट्री में मायों में एक गेम इंट्रोड्यूस किया है। फैसला होगा दो टीमों का, यहाँ पर लड़के वाले आप जिस भी वाले हैं, लेकिन आप भी मौजूद हैं यहाँ पे मेरे सीधी तरफ। फूलों वाले हैं। कौन से वाले हैं? फूलों वाले। अच्छा जी, आप फूलों, आप भी तो फूलों वाले हैं, आपने नहीं पहने गजरे? चाय वाले। चाय, ये अच्छा, तो ये फूलों वाले और ये चाय वाले, फूलों वालों की लड़की, चाय वाले का लड़का। तो आगे नहीं भाई, हम लड़के वाले हैं भाई, हमारा लड़का देखा नहीं आपने? बहुत खूबसूरत है। खूबसूरत इनकी right. बात पे भरोसा नहीं कीजिएगा अगर ये खूबसूरती की बात कर रहे हैं। अच्छा जी, अब हम ये करेंगे, आपकी तरफ से एक साहब जो है वो यहाँ पर आके बिल्कुल साथ खड़े हो जाएंगे। ये डार्ट साहब है, एक ही साहब बस, ठीक है सर। हाँ, इधर आके खड़े हो जाइए आप, वसूली साहब रखे और आप लोग सब मूव करके उधर चले जाइए। बिल्कुल मूव करके उधर चले जाइए और आप में से जो पहले जाएगा वो यहाँ पर इधर आके खड़ा हो जाए। अलिया से आप सब में इधर हो जाइए थोड़ा सा। सिंपल सा गेम है, मेरे पास ये चार डार्ट जी, इतनी दूर से ही फिजा के लिए बहुत सारी ताली आप फिजा जी। फिजा मेरे नो माइक, अच्छा माइक ले लीजिए फिर आप, एक सेकंड प्लीज बैठिए। आपको इधर आना पड़ेगा फिजा, थोड़ा सा आप लोगों को उधर होना पड़ेगा, आपको इधर आना पड़ेगा यहाँ पर। हाँ जी बिल्कुल आप इन्हीं की टीम में हैं। सो 1 2 3 4 5 खवातीन और तुम तो इधर आ जाओ ना जी भाई। हाँ बस, दैट्स इट। अच्छा जी, गेम बहुत आसान है। आज हम पहली मर्तबा मायों में ये रस्म इंट्रोड्यूस कर रहे हैं, आप लोग कर सकते हैं, घर वाले इसको मिलके खेल सकते हैं। सिंपली आपको यहाँ आना है, ये आपका निशान है और आपके पास ये चार, लाइक ऐसे भी कर सकते हैं ना, नेक है उसमें, आप लोग जो दुल्हन दुल्हन वाले नेक मांग रहे होते हैं, नेक है, नेक बलून से निकाले। इट्स अ बलून, दैट्स अ ग्रेट आईडिया, दैट्स अ ग्रेट आईडिया, यस यस। थैंक यू जी, थैंक यू, बहुत बहुत शुक्रिया। आप आइए यहाँ पे, ओफेरा इज फर्स्ट, फिर आपके पास है और आपने एक ही ट्राई लेनी है। ओनली वन। ये गुब्बारा है, इसको नहीं समझ लेना। लेकिन अगर कोई पुराना बदला हो तो नहीं, वरीद भाई भाई हैं। गो, अपने पास रखिए, आइए जी सारा। नहीं लगेगा, आई एम श्योर। आइए जी, अभी तक फूलों वालों का कोई नहीं पूछा है। पैसे उठाइए, पैसे भी ये गिनिए, 20 रुपए। वाह,
आठ आठ पूरे करने, आठ पूरे करने, आठ पूरे करने, आठ पूरे करने, वन टू थ्री गो। ₹10 आइए जी, खाना जल्दी 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 ये 20 वाला है। आइए जी, टोटल बंद कीजिए टोटल हुए ₹50 इनके। थैंक यू जी, आप आइए, रुक जाइए। पीछे से आइए जी, सादा आइए जी। Let me try. आइए जी, अभी आप लोगों किसी का भी गेम हो सकता है, किसी का भी। यार लग नहीं रहा। बताइए जी, बताइए कितने पैसे और दूसरे कितने थे? हमारे गुब्बारों में पैसे कम थे। कितने पैसे? ऐसे नहीं है जी, 10 और 20 रुपए, 30 रुपए इनके, 50 रुपए इनके। फाइनल मुकाबले के लिए हम आपको बुला रहे हैं। अरे एक सेकेंड, 8 दिए थे आपको भी, 8 आपको भी दिए, तो 4 लोगों की बात नहीं है, 8-8 थे। लेकिन अब आपके कैप्टन्स खेलेंगे। आइए जी, आइए जी, जी आपके कैप्टन्स खेलिए जी, बली भाई खेलिए, और आप लोगों ने तालियां बजानी है अपने कैप्टन के लिए। गो 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 गो, एक 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 एक, लास्ट 4 मिनट का नहीं, दस से नहीं, आप छोड़ देंगे गुब्बारा नहीं, लास्ट। ऑलराइट, उठा लीजिए, टोटल 60 रुपए इनके हुए हैं, 4 बारी इनके कैप्टन को मिली हैं। और आइए अब चलते हैं इनके कैप्टन की तरफ। 4 आपके पास हैं सर, 4 डार्ट्स आपके पास हैं, घर जाइए, घर जाइए, हमें सिर्फ 30 रुपए चाहिए। भैया हम जीत गए, खड़ा है भाई, नहीं है भाई, भाई आज का मुकाबला हम जीत गए, कसम से। 4 बाकी हैं, 4 बाकी हैं, वो कहाँ गए और कहाँ हैं, और कहाँ, 4 बाकी हैं, मैं देना जरा मुझे, भली खड़े हो ना, छोड़ दीजिए, ये भी दीजिए। भली भाई घर गए, वो तो चले गए, भली भाई तो घर गए, भाई घर गए। भाई 90 रुपए हो गए हमारे पास, मेरे 50 रुपए की कमी है। तो ये मुकाबला कौन जीता? अरे मैं नहीं यार, कोई बात नहीं, ये पहला मुकाबला है जो ये लोग जीते हैं। हमारा दूसरा मुकाबला क्या, जरा बताएंगे मुझे क्या है दूसरा मुकाबला हमारा? जी क्या हो गया? कड़े बनाने, कड़े कैसे बनते हैं? गजरे। अच्छा जी, दूसरा मुकाबला जो है वो गजरों का है। उसके बाद हम अपनी दुल्हन को यहाँ बुलाएंगे और उनकी रस्में जो है वो करवाएंगे, लेकिन उससे पहले एक छोटा सा ब्रेक है। जबरदस्त मुकाबला है
अब फूल वाले जो लोग हैं उन्होंने जीत लिया है पहला मुकाबला और चाय वाले थोड़े से परेशान हैं। लेट्स सी व्हाट्स गोना हैपन। ये दूसरा मुकाबला जो है गजरे बनाने का है एंड आई होप कि जो बेहतर है वो जीत जाए। छोटा सा ब्रेक आप सुनते हैं। Again, अस्सलाम वालेकुम। मुझे कभी कभी खौफ आता है जब शानी भाई शादी ब्याह के गीत गाते हैं क्योंकि जितनी शादियां शानी भाई ने की हैं अब इसके बाद मर्दम शुमारी वाले इनके जब घर आएंगे तो उनको पता नहीं चलेगा कि कौन कौन से घरों पे जाना है। शानी है? शानी कितने बार? तीन तीन थ्री फोर ये तो पाकिस्तान की है, बाकी की शादियां बताएं भाई। पाकिस्तान में तीन किए ना, एक पाकिस्तान एक अमरीका एक जापान। वाह वाह वाह। मेक्सिको में क्या किए? मेक्सिको में क्या? भाई इससे तो खूबसूरत हूँ मैं, एक पे ही अटका हुआ अभी तक यार। ये तो इसमें आपकी कोई अपनी कमजोरी है भाई। इसमें मतलब इनका क्या कसूर है इसमें? आप अगर खुद शादी नहीं करना चाहते तो दैट्स अनदर थिंग, बट एनीवे बीवी की मजबूती नहीं हो सकती। एकदम से जब ये बात करो तो सारी खवातीन मिलकर बोल रही हैं। Why? Like you are saying that why is painful topic? मेरे लिए तो कोई painful नहीं। औरतों के लिए नहीं, I mean for the gents. औरतें तो वैसे मासूम होती हैं। मासूम? हाँ मासूम होती हैं ना। हम लोग को क्या है? हम एक टीम है। हम लोग जन्नत की चिड़िया है। और हम जन्नत की हूरे हैं? जन्नत की हूरे? हम सब ना, मैं अकेली अकेले की बात ही कर रही हूं। देखिए अब डिसाइड कर ले आप लोगों को जन्नत जाना है या नहीं जाना है। हम तो है जन्नती सब भाई यार, ये तो है। बस फिर वहां पे हम जैसे ही मिलेंगे। यही मिलेंगे तो फायदा भी जन्नत में जाने का भाई। पहली बात तो ये तो म्यूज़िक वगैरह बंद कीजिए। पहली बात तो ये हमें उस तरफ जाना ही नहीं चाहिए क्योंकि वो चीज़ें जो हैं वो हमारे मज़हब की और ये हमारा अकीदा है, हमारा ईमान है, हमारा बिलीफ है। उस सिलसिले में हमें कोई बात नहीं करनी चाहिए, कभी भी नहीं करनी चाहिए, किसी भी सेंस में नहीं करनी चाहिए। रिलीजन इज़ नॉट देयर जो ऐसे शोज़ पे डिस्कस करने के लिए नहीं होता। कोई रिलीजन दुनिया में, मैं अपने रिलीजन को और बाकी तमाम मज़ाहिब को भी यही रिक्वेस्ट करूंगा कि यहाँ पर रिक्वेस्ट करने के लिए और जिन चीज़ों के बारे में हमें पता नहीं है उन चीज़ों के बारे में हमें बात नहीं करनी चाहिए, कभी भी नहीं करनी चाहिए। नॉट right. हम मजाक कर सकते हैं, मजाक कीजिए, लेकिन उसमें मज़हब के मामले में नाम पे मजाक हो ही नहीं सकता, किसी भी सेंस में मजाक भी नहीं हो सकता, बिकॉज वो ऐसी चीज़ें हैं जो गैब का इल्म सिर्फ खुदा को है या बाकी तमाम बातों का इल्म उसके नबी को। इसके अलावा बाकी तमाम लोगों में से किसी को भी किसी चीज़ का कोई पता नहीं। बाकी सारी चीज़ें कयास आराइयाँ हैं और जो भी हैं और जो उलमा हमारे हैं जो उनको फॉलो करते हैं प्रॉपरली, अगर हमें कोई मसला ऐसा है जो हमको डिस्कस करना है तो वो हमें अपने उलमा से बात करनी चाहिए। और पाकिस्तान में बेतहाशा मजहबी उलमा मौजूद हैं जो हमारी रहनुमाई कर सकते हैं और ये मसाइल जो हैं ये सारे के सारे उस हद तक रखें, इनको हमारी गुफ्तगू से निकलना चाहिए, इस तमाम चीज़ को हमारी गुफ्तगू से निकलना चाहिए, कहीं भी किसी भी सेंस में इंक्लूजन नहीं होनी चाहिए। अच्छा जी अब बात आ जाती है कि जी गजरे कैसे बनाने हैं। आपकी टीम से मुझे दो लोग चाहिए, कौन कौन होगा? मैं भी मुस्कान और नुफैरा। ओके जी, और आपकी टीम से? अरोहा शानी भाई। अरोहा शानी भाई ज्यादा एक्सपीरियंस। शानी गजरे बनाएंगे? उन्होंने बोला कि मुझको एक्सपीरियंस है। तो फिर ऐसे आदमी की तीन शादियां नहीं होंगी क्या तुम्हारी? होंगी। तुम्हें बनाने भी नहीं आते गजरे? ये तो गजरे भी बना लेता है। बनाएंगे तभी तो पहनाएंगे। अच्छा पहनाने भी हैं? बनाएंगे तभी तो पहना के इंप्रेस कर करके तीन। वो मैन दिस इज इट्स जस्ट टू टफ। आई डोंट थिंक आई कैन इंप्रेस एनीवन। मुझे समझ में नहीं आती ये चीजें, बट एनीवे चलिए आपको इंप्रेस करने की जरूरत नहीं पड़ती। अरे ठहर जाओ एक मिनट, पहले आपकी तरफ से ठीक है जी कोई एक मुझे बता दीजिए कौन आएगा पहले? आप पहले कौन शुरू करेगा? उफेरा उफेरा एंड शानी कम ऑन आइए जी। उफेरा के लिए और शानी के लिए आपने शानी भाई गुड लक। शानी भाई
आइए जी फरा आप भी आइए यानी आप इधर हो जाइए इधर हो जाइए इधर हो जाइए कॉपीकैट इधर हो जाइए लेट्स सी हु विंस लेट्स सी हु विंस हमें तो पता जीत जाएंगे हां जी जब मैं 1 2 3 कहूं तब आपको अच्छा आपके पास टाइम होगा 2 मिनट का 2 मिनट में जो सबसे ज्यादा गजरे बनाएगा वो जीतेगा दोनों यूज करने हैं जी दोनों यूज करने हैं आप लोगों को जैसे बनाना है आप दोनों इस्तेमाल कर सकते हैं इसको 1 2 2 मुझे बता दीजिएगा 1 2 3 गो आइए जी जल्दी 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 म्यूजिक लगाइए जल्दी जल्दी कीजिए जल्दी जल्दी There you go. Farah is winning right now. Farah is winning. Shani, come on, Shani, go, Shani. Shani, bhai, jaldi. Shani, bhai. Oh, hey. Woo! Yes. Oh, Shani ne bhi bana diya. Shani, जल्दी कीजिए जल्दी कीजिए गो 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 आई थिंक फेयर गोइंग टू विन आई थिंक फेयर गोइंग टू विन कूल लगा रहे हैं ज्यादा लगा रहे हैं ज्यादा कूल लगा रहे हैं क्या मतलब कूल कब लगा रही है आप लोगों को लग रहा है कि शानी ने फूल ज्यादा लगाए हैं तो उन्होंने सुन नहीं हाँ। चार फूल हैं उन्होंने भी चार लगाए हैं शानी ने भी चार ही लगाए हैं पांच लगाए हैं एक्चुअली शानी ने लेकिन मैं आपको सच बता रहा हूं लाहौल वाला कुत इससे बेहतर जेवर आप देख नहीं सकते भाई वाह यार वैसे ज्यादा फूल ज्यादा है ये वाला बहुत अच्छा है अच्छा फूल वाकई ज्यादा है आप लोग खुद फैसला करेंगे फूल शानी ने ज्यादा लगाए अच्छा उफेरा आपने भी कोई एक मिनट होल्ड ऑन वन सेकंड आपने भी इल्ला माशाल्लाह ही किया है साहिर आप अच्छा वाला उठाए ना ये देखिए ये वाला दिस इज नहीं फूल का लास्ट वाला उठाया आपने एक दो तीन चार पांच अच्छा आप लोग खुद बताइए फैसला कीजिए किसका ज्यादा अच्छा है शानी कौन जीता है शानी या उफेरा ओके वो लोग जो ही समझते हैं शानी जीता है वो तालियां बजाएं गो और वो लोग जो ही समझते हैं उफेरा जीती है वो तालियां बजाएं उफेरा जीत गई है उफेरा जीत गई है चलो तुम बजवाओ एक बार फिर जी शानी के लिए तालियां उफेरा के लिए तालियां यार वैसे एक बात है आप लोग बिना exactly. किस किस्म के लोग हैं आप लोग शानी के लिए बजाएंगे आप दोनों नहीं मैं फैसला करता हूं मैं फैसला करता हूं ये ड्रॉ है मुस्कान मुस्कान एंड आपकी तरफ से अरोहा आइए जी अरोहा मुस्कान गो 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 क्विक 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 अभी रुक जाए अभी रुक जाए फूल लग रेडी नहीं है फूल कम नहीं है फूल कम नहीं है बिल्कुल सही इसमें से निकाल लीजिए ठहर जाइए ठहर जाइए ठहर जाइए एक मिनट भाई ठहर जाइए ठहर जाइए फूल निकाल लो ठहर जाइए ओके जी रेडी
रेडी आप लोग तैयार हैं यस ओके जी 1 2 3 4 एंड गो बस हो गया लास्ट जो हो गया, हमारा है कितने बना लिया आप लोगों ने अच्छा एक सेकंड होल्ड ऑन 2 3 ये पहले से मिक्स हुए मिक्स नहीं 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 तो मेरे नहीं अभी मेरे ज्यादा है कितनी मिक्स ने इसने दो मैच किए इसमें यार ये आप मिक्स मैंने देखा दो इसने झूठी है ये माय गॉड झूठी है मैं आई व्हाट नहीं जी ये दो इसने डाले मेरी तरफ से मेरी तरफ से ये मुकाबला मुस्कान जीत गई क्योंकि आई एम सॉरी आप मतलब नॉट एवरीथिंग इज फेयर इन लव एंड वॉर नॉट एवरीथिंग बेईमानी इज नॉट फेयर मुस्कान विंस इट वाओ आप क्या कहेंगी अपनी टीम की हार के बारे में बहुत खुशी जी ये क्योंकि हमारी टीम ने क्वालिटी के ऊपर काम किया था एक खूबसूरत चीज बनाना चाह रहे थे एज अपोज टू खटाखट चीटिंग करके मासूम चेहरे के पीछे जीतने में पहले बने ही देखे क्या है जो जीतने में जीतने में क्वालिटी और टाइम मैनेजमेंट दोनों काउंट होते हैं ना हां मगर क्वालिटी नहीं थी ना आप लोग पर टाइम मैनेजमेंट आप लोगों ने भी नहीं हो पाया ना उससे भी आ जाओ जाओ ये तो बोलते रहेंगे इस ब्रेक के बाद दुल्हन आ रही है अभी मिलते हैं जब दुल्हन हमारे पास आती है अब आज हमने माइयों की रस्मों की बात की एक नई रस्म हमने दी है कि हमने गुब्बारों को डार्ट के जरिए फोड़ा क्या हो गया सब खैरियत आपको रोना आ रहा है क्या अपना माइयों याद आ रहा है इतनी पुरानी बात यार सीरियसली मुझे नहीं समझ आता है सब कुछ बट एनीवे आपको वाकई आप रो रही इसलिए रही हैं अच्छा नहीं मुझे मेरा कौन सा माइयों ऐसा माइयों नहीं था भाई मेरा क्या मुझे ऐसे लेके आए थे क्या एनीवे थोड़ा सा माइक बढ़ा दीजिए लेडीज एंड जेंटलमैन बढ़ाई कुछ नहीं होता बढ़ाइए लेडीज एंड जेंटलमैन 1 2 3 हियर वी गो हमारी दुल्हन जो है वो तशरीफ ला रही है आइए जी बहुत सारी तालियां दुल्हन के लिए और म्यूजिक को लाउड कर दीजिए हियर वी गो
जरा तालियां जोर से होनी चाहिए. 1 2 3 गो. I totally feel this place because मुझे पता नहीं मुझे कहाँ खड़ा होना है कहाँ बैठना है तो because शादियों में ऐसे ही होता है. I think that's why men stay outside and they don't come near where the brides and the you know the girls are. So I think ये एक अजीब सी बात होती है. Finally आपको realize हो जाता है that you know you should stay out because ये सब ख्वातीन के काम है और वो बहुत अच्छा करती हैं इसको. So tell me अब इस वक्त जो हम रस्म करने जाएंगे ये कितने cultures में कैसी कैसी होती है. सब में अपने अपने तरीके से है कि जैसे सबसे पहले तो माइयों का जोड़ा आता है जो 7 दिन पहले ससुराल की तरफ से आता है. लड़की वो पहन कर बैठती है और उसमें उसके मतलब बादाम छुआरे जो सिंधियों में स्पेशली या बलोचों में तो उसके खाने का सामान भी बीच में आता है. जैसे मैंने पहले कहा था कि वो छुरी का कोई कटी हुई चीज़ नहीं लेते. सालन वगैरह में कोशिश यही होती है एज़ इट इज़ हो, अगर सब्ज़ी भी है तो एज़ इट इज़ कटेगी. दूसरा ये कि एक बड़ी डिफरेंस ही है कि नज़र ना लग जाए. बाज़ लोग नींबू पास रखते हैं, बाज़ लोग कहते हैं लोहे की कोई चीज़ पास होनी चाहिए. ये 7 दिन बड़े क्रूशल होते हैं नज़र लगने के लिए. आप दुल्हन को शादी के बाद भी बताते हैं कि लोहे की कोई चीज़ पास नहीं? बिल्कुल नहीं. उसके बाद नज़र बट्टू रखा होता है. नहीं, उसके बाद नज़र बट्टू रखा होता है ना साथ साथ. अच्छा, ऐसी बात नहीं है. लेकिन ये है कि इसमें बेसिकली रखने का 7 दिन गुजारने की वजह यह है कि एक तो बच्ची घर में रहे, अपनी स्किन का ध्यान रखे, अपने बालों का ख्याल करे, अपने आप को थोड़ा सा पैम्पर करे. दूसरी चीज़ ये कि क्लोज़ जो रिलेशन वाले हैं जैसे बहन भाई हैं, ताया चचा, मामू मामानी, अम्मी, स्पेशली माँ बाप, तो वो ज़्यादा क्लोज़ रहें और उनके पास वो सारा टाइम स्पेंड करें बजाय बाज़ारों में भागने के और इन सारी चीज़ों के बारे में. अब तो वो चीज़ें चेंज हो गई हैं कि बच्चियाँ पार्लर जा रही हैं अपनी. लास्ट मेहंदी वाले दिन सुबह भी वो बाहर होती हैं अपनी शॉपिंग के लिए, बारात वाले दिन भी सुबह बाहर होती हैं. तो उससे ये होता है आप ये टाइम मिस कर जाते हैं जो माँ बाप के साथ और बहन भाइयों के साथ गुजारने का टाइम है. ये पर्दा करने का मतलब ये है कि किसी भी गैर महरम और ना महरम वाला चक्कर नहीं होता. बेसिकली आप अपने क्लोज रिलेशन वालों के पास वो टाइम स्पेंड करें. और इसमें वही रोना धोना भी होता है. ऑब्वियस एक चीज़ वही होती है, बच्ची ने अगले दिन शादी के बाद ज़रूर आना होता है. वलीमे वाले दिन बच्चियाँ वापस जाती हैं, घर उनका वही होता है, मैका है उनका. लेकिन वो चीज़ बदल चुकी होती है. पहले वो हमारी बेटी होती है, वो किसी की बहू होके आ रही होती है. तो वो चीज़ें काफ़ी चेंज हो चुकी. अच्छा, आप लोगों की जब माई हुई थी तो कुछ प्लीज़ टेल मी अ लिटिल बिट अबाउट योर एक्सपीरियंस. आपने मैं तो सुबह शॉपिंग पर थी, मैंने अपनी चूड़ियाँ लेनी थी, परांदे सबके लिए लेने थे, सबने मैचिंग परांदे पहने थे, मैचिंग दुपट्टे पहने थे, लड़कों ने मैचिंग दुपट्टे पहने थे शलवार कुर्ता के ऊपर. तो वो सब कुछ जो है ना मैं गल्फ जाकर अरेंज करी और ड्राइव करके सेम ईयर के अम्मी नहीं थी तो बहुत सारी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ थी और फादर से बहुत अटैच थी. तो उन मेरा जो ये माई वाला ड्यूरेशन था ना वो आई वॉज लाइक कि मैं उन्हीं के पास बैठी रहूं और उनके साथ टाइम गुजारूं. तो काम प्लस फादर, तो वो मेरा माई ड्यूरेशन अबू और कामों के साथ गुजरा है. सलमा आपका? मैं घर में अपने घर में छोटी थी तो सारी कज़न्स की शादी हो चुकी थी. तब मुझे बड़ा गुस्सा था, सबको मैंने 7-7 दिन बिठाया और पूरे साल भर शादी के बाद मेहंदी लगाती रही हूँ. मैंने अपनी कज़न और बहनों की मेहंदी नहीं उतरने दी फॉर द होल ईयर आफ्टर द मैरिज. जब मेरी बस एक पता नहीं देर वो मुझे नहीं, कहने का मतलब ये है कि वो जो फिंगर्स डिप की जाती थी तो मैं जाके लगाया करती थी क्योंकि आगे पीछे सबकी शादी थी 9 मंथ्स पहले मेरे से. तो मेरा दिल करता था अच्छा ओके अब हम भी बैठेंगे. तो मैं अपना पीला जोड़ा पहन के खुद ही खाला के घर चली गई थी और मैंने कहा ओ आप लोगों को याद करा तो 7 दिन रह गए शादी में और मैंने पीला जोड़ा पहन लिया. तो लेकिन ये कि एज सच मेरी शादी इस तरह हुई थी कि सारे यहाँ से गए थे लेकिन मेरी कज़न्स वगैरह सारी बाहर थी उसके लिए आए थे. लेकिन ये कि जब वो आई 3 दिन रह गए थे तो उन्होंने मेरा बहुत ख्याल किया. आपकी माइयों कैसे हुई? मेरी माइयों भी ऐसी हुई, सारा दिन मार्केट में और मैं इस तरह माइयों नहीं बैठी थी और मतलब तैयार व्यार होके प्रॉपर इस तरह. और फिर ये हुआ था कि हम लोगों ने एक थीम बनाई हुई थी कि गरारे पहनेंगे और येलो शर्ट और वो इस तरह करके इस तरह हमारा अरेंजमेंट. मेरी माइयों ऐसी हुई थी बिल्कुल इसी तरह से. ऐसे मैंने 15 दिन किसी को चेहरा नहीं दिखाया था और उमेर को भी नहीं दिखाया था. उमेर को अपने पेरेंट्स को भी नहीं दिखाया था. वाओ, पेरेंट्स को क्यों? व्हाई? नहीं, मुझे था कि वो एक रूप नहीं आता और ये है 15 दिन का मैंने एक कहते हैं ना नकाब आपने कर लिया होता है. तो मैं किसी को चेहरा नहीं दिखाती थी. इवन के मेरे साथ जो मेरी कज़न सो भी रही होती हैं रह भी रही होती थी मैं उनको भी नहीं दिखाती थी. Wow. बात आपकी तो नहीं हुई अभी? नहीं. ओके, आपकी? यस, बहुत पहले हुई थी मगर बहुत पहले
कहीं गई वही नहीं थी, मैं सो गई थी. अच्छा टाइम था. एग्जैक्टली. वो रिलैक्स टाइम होता है और लड़कियों की जिंदगी में हमायूं की ड्यूरेशन की बात कह नहीं रहा था. मैंने कहा हाँ हाँ जो लगाना है जिसने जो लगाना है लगा लो, मेरे सर में तेल वेल एंड सम व्हाटएवर वो जो लगाते हैं. और मैंने कहा हाँ ठीक है आती है, कोई प्रॉब्लम नहीं. सो गई थी. चल मूवी शूवीज देखी थी, टीवी देखा था. आई कैन इमेजिन. या ऑब्वियसली शानी भाई आपको तो लगा होगा इतनी शादियां होनी है. इतनी दफा नहीं, इतनी दफा ये उठा ही नहीं 6 महीने भाई. ऐसे ही कुछ है. अच्छा मेरी भतीजी की शादी भी थी जो सिंध में हुई है और वो लोग लेकर आए थे मायूं. इसी तरह निकाब था बकायदा, आंखें बनी हुई थी, येलो कलर का वो कपड़ा था और वो उन्होंने बांधा. और फिर उसकी सास उसके कमरे में आई और पहले उसको वापस अंदर लेकर आने से पहले उन्होंने एक रेड कलर की बड़ी ही खूबसूरत चादर थी वेलवेट की और उस पर सारा गोल्डन लगा हुआ था और वो उन्होंने पूरे कमरे में ना एक रस्सी बांधी और एक पोर्शन कर दिया रूम का. उन्होंने कहा अब ये इस कमरे के इस हिस्से से बाहर नहीं आएगी, सिर्फ वॉशरूम जाएगी, दैट्स इट. वो भी कमरे के अंदर. और बिल्कुल वो किसी से नहीं मिली, किसी से बात नहीं करनी और किसी से कुछ नहीं. हम सब जाके उसके पास बैठ जाते थे, सिर्फ उसके अब्बू और उसके भाई जो थे वो दोनों उसके पास आते थे. और रूप की जहाँ तक बात है वो वैसे ही बच्चियाँ जितनी इस दिन खूबसूरत तो लगती ही हैं, लेकिन ये कि वो बहुत एक्चुअली सलमान ने बिल्कुल सही बात की थी कि ये लड़कियाँ आजकल की बहुत बाहर घूमना वसाई चाहिए, तो घर में बिठाने का मकसद, मायों का मकसद ये होता है कि दे शुड हैव रेस्ट. रेस्ट होगा तो फिर. शानी से पूछना चाहता हूँ शानी, जब तुम्हें मायों बिठा रहे थे तुम्हें भी क्या तेल वेल लगाया था क्या? उस जमाने में माइक लगा हुआ है आपके? हाँ हाँ मैं बोल रहा हूँ लाइए. हाँ आप बताइए मुझे. जी दो दिन बैठा था मैं मायूं, दो दिन बैठा था. जमाने में रस्में होती थी और बड़े बुजुर्ग किया करते थे. आपसे बड़े बुजुर्ग भी? हाँ बिल्कुल हमारे बुजुर्ग. और मुझे माइया दो दिन बिठाया था, मैं बैठा था और मैं अपनी बारात जो है पैदल लेके गया था, ना घोड़ा था ना गाड़ी, पैदल लेके गया था. घोड़े पे तो लेके भी नहीं जा सकते थे, घोड़ा बुरा मान जाता है, गधे को बिठा दिया मेरे पे. इसलिए घर वालों ने ये एहतियात की. भाई बात ये है कि मेरा जो घर था और मेरी दुल्हन का घर था एक बहुत ज्यादा फासला नहीं था, कितना इसलिए इस बस यार जैसे चाय का होटल. एक मिनट पहले सुन तो लो क्या क्या कितना इतना नहीं इतना फासला था जैसे ये और ये चाय का होटल जो है. तो इसलिए मुझे गाड़ी की जरूरत नहीं पड़ी, मैं दूल्हा बन के सलाम करता हूँ पैदल गलियों से गया. कैसे सलाम करते हुए? वाह वाह यार, ये जरा गाना लाउड करके लगाएगा. आप सब इनके बाराती हैं और आप सब लोग मोहल्ले वाले हैं, आपने इन सब मोहल्ले वालों को सलाम करते हुए वहां तक जाना है. ठीक है जी, जरा जब गाना जरा लाउड कर मुझे भाई कीजिएगा, गाना जरा लाउड कीजिए. शानी भाई की शादी है, पीछे हो जाइए, पीछे हो जाइए, पीछे हो जाइए. आइए जी, 1 2 3 4 गो. शानी मुझे पता है तुम्हारी शादी का, तुम्हारे दोस्त गधे के सामने ले गए थे और कहा था ये तुम्हारे ससुर है सलाम करो. लेकिन सर साहिल भाई अक्सर मैंने किया मेरे दोस्तों के साथ, कसम से कसम खुदा की मैंने किया मेरे दोस्तों के साथ, झूठ नहीं बोलूंगा. अच्छा आपने तो जब सहरा उतारा होगा तो आपकी टेंट नजर आई होगी ना सब. लेकिन मैंने सहरा नहीं उतारा था. शानी भाई की तरफ ये हालत मेरी शादी के बाद हुई है. कहीं कहीं किसी मसल के लिए टेंट दिखाई दे. शीशा ने ये तो नहीं बोला कि आपने धोखा दे दिया? नहीं नहीं बाय गॉड, ये शादी के बाद हुई है, ये औरतें करती है यार. शरीफ आदमी के साथ यही होता है. ये पहले से ऐसे ही गंजे ही थे.
शादी भाई मैं गंजा नहीं था भाई, आप मुझे जानते हैं तकरीबन भाई कैसा स्मार्ट नहीं था, खूबसूरत था मैं। आपकी तस्वीरें अखबारों में भी आती है। हाँ जहाँ दिखे मार दो। मैं तो बचपन से आपको देख रही हूँ, आप ऐसे ही हैं। बचपन से? हाँ। मैं भी यही कहने वाला था आपके लिए। लेकिन मैंने सेहरा नहीं बांधा था, लोग बांधते हैं लेकिन मैं सेहरा नहीं बांधता। क्यों? वो स्लिप हो जाता ना। नहीं नहीं मुझे बस हमने नहीं बांधा। क्यों नहीं बांधा? हमारे घर में सेहरे की कोई रस्म नहीं है। हमारे मेरे बच्चों की शादी हुई, कोई सेहरा नहीं बांधा सिर्फ पे। बच्चों की शादी हुई भाई, इसने माँ भी पैसे बचा लिए। देखो यार एक तो खुद भी मोहल्ले में लड़की बसाई। हाँ मोहल्ले में लड़की भाई, तुमने मोहल्ले में शादी की, मोहल्ले की सारी लड़कियां माँ बहने होती हैं। अल्लाह की कसम, एक से शादी की सबके दिल टूट गए। मैंने ठीक है यहाँ पर रह के इसलिए जापान चला गया, जापान की आपके लिए ही बिखरा है ये जीवे मेरा भाई, मेरी गली गली पर जाए। भाई अब तो शादी हो, पानी नहीं। मैं कुछ सोच रहा था। अच्छा ये जैसे आप यूं कर कर आए ना, तो जब हम रिश्ता देखने के लिए गए ना, तो लड़का जब एंटर होने वाला था, तो मैं छोटी चची थी, मैं भागती भी बाहर गई। मैं खबरदार ऐसे मत आना, हमारे यहाँ बड़ा बुरा मनाया जाता है। और जब तुमने आना है हमारे घर बारात लेके, तो एक तो तुमने घोड़ी पर बैठ के आना है, दूसरा कुल्ला बांधना है पंजाबियों वाला, और दूसरा ये कि नाक पे लाल रुमाल रखना है ऐसे करके। और सीरियसली उसने टिश्यू पेपर फोल्ड किया, तो वो ऐसे का ऐसे ही रह गया। और आगे करते साथ कहता है चल जी सब कुछ कर लूंगा, बस घोड़ी पे नहीं बैठ। तुम्हारी तो शादी नहीं हुई ना, तुम्हारा क्या ख्याल है कि कैसे तुम्हारा दूल्हा आए, कैसे एंट्री दे? हाँ तुम्हें बारात लेके कैसे आए? मैंने सोचा नहीं। सोच लो अब कब तक इंतजार करूंगा? अभी आपकी बेटी की उम्र की है वो, नवासी से ज्यादा सही नहीं रहेगा। हाँ हाँ सही, मैंने तो फिर लिहाज कर लिया। कौन कौन कह रहा है? अभी आप उनको कहते हैं मोहल्ले में माँ बहने होती है, तो ये मोहल्ला कोई है? ये माइयों और माइयों में आए हुए आप? वो है हमारी बच्ची, किसकी माइयों है भाई? ऐसे करते किसी की माइयों में आके आप लड़कियां फंसाना शुरू कर दे, वो भी अपनी बेटी की उम्र की, नवासी की, ऐसे नहीं होता। चलो भाई ये बुरा, चलो भाई ये बुरा मान गई, सॉरी। आप बताइए क्या? मैंने तो कुछ बोला नहीं, पब्लिक समझदार है, मैंने कुछ बोला नहीं था। आप बुरा ना माना करें, मैं मरते दम तक आपका हूँ। आप मर के दोबारा पैदा हो जाए तब भी ऐसा कुछ नहीं हो सकता। तुम आज ही खुदकुशी कर लो। वो तो मैं मिलूंगा तब भी ये खुदकुशी कर लेगी। मेरे जहन से एक्चुअली वो चिंता निकल नहीं रहा। बोलते भाई बोलते भाई, जुमला जा नहीं रहा, मैं बार बार तुम्हें देखता हूँ। घोड़ी याद आ सॉरी, आई एम रियली सॉरी, लेकिन मैं क्या करूँ, मेरे जहन से वो जुमला जा नहीं रहा और मेरे जहन से शानी नहीं जा रहा। इमेजिन कीजिए शानी को बाद में पता चला होगा। एनीवे जी, रस्में हम शुरू करेंगे। रस्म शुरू करने से पहले एक बात मैं ज़रूर करना चाहता हूँ। सालिन ज़रा थोड़ी सी इंपॉर्टेंट बात है, हंसी मजाक तो अपनी जगह है, एक बात मैं ज़रूर करना चाहता हूँ रस्म शुरू करने से पहले। रिसेंटली कल, एज रिसेंट एज यस्टरडे, आई मेट समवन जिनकी बेटी की शादी जहेज की वजह से रुकी हुई है।
एंड आई होप एंड प्रे कि ऐसी रस्में जो हैं वो हमारे यहाँ ख़त्म कर दी जाएं और लड़के आगे बढ़ें, खुसूसन जो ख़वातीन हैं जो अपने बेटियों की बेटों के रिश्ते की तलाश में होती हैं वो आगे बढ़ें। और शादी लड़की के जहेज से नहीं होती, लड़की से होती है, उसके ख़ानदान से शायद होती है। रिश्ते बनते हैं और उन्हें बनाने की कोशिश करनी चाहिए। अगर आपके बेटे में इतनी हिम्मत है, उसके बाजुओं में इतना दम है और आपने उसकी तरबियत ठीक की है, तो वो अपनी दुल्हन का जहेज वहेज सब कुछ खुद बना लेगा, सब कुछ खुद कर लेगा। क्योंकि ये कहना कि आप अपनी बेटी को प्यार से कुछ देना चाहते हैं, ज़रूर दीजिए, लेकिन मैं स्पेशली अपने दोस्तों से कहूँगा और उनकी मदद से कहूँगा जिनकी शादियाँ आगे होनी हैं, समहाउ मैं थोड़ा ओल्ड फैशन, हो सकता है कुछ लोगों को मेरी ये बात गलत लगे, हो सकता है कुछ लोग ये समझें कि शायद ये बात सही नहीं है, और शायद कुछ लोग ये भी समझें कि शायद मैं यूँ कहने के लिए कह रहा हूँ, लेकिन मेरा अटमोस्ट बिलीव इस बात पे है कि बेटियाँ घरों से रुखसत होती हुई और बग़ैर किसी बोझ के रुखसत होती हुई अच्छी लगती। आप जब किसी से शादी करते हैं तो फिर आप उसके प्रॉब्लम्स को भी ओन करते हैं, आप उसकी चीज़ों को भी ओन करते हैं, आप उसके घर में उसकी माँ को भी ओन करते हैं, उसके बाप को भी ओन करते हैं, उसके भाई की जो तालीम रही हुई है उसको भी ओन करते हैं, उसकी वालदा अगर बीमार हैं तो उसको भी ओन करते हैं। अफसोस का मकाम ये है कि औरत काम करती है आपके घर का, आपके बच्चों को रेज़ करती है, और अपनी सैलरी में से अगर वो बाहर काम करती है तो थोड़े से पैसे बचा के अपने माँ बाप को देती है, और उस पर हम में से किसी का भी मुँह बन जाए, ये गलत बात है। जैसे आप अपने माँ बाप की टेक केयर करते हैं, वैसे आपकी बीवी भी अपने वालदैन की टेक केयर कर सकती है। रिश्तों को ऐसे किसी तनाजुर में, ऐसे किसी तराजू में मत तोलें जहाँ उन्हें तुलना नहीं चाहिए। रिश्ते सिर्फ मोहब्बत के और मजबूती के मोहताज होते हैं। आज हम ये रस्म तो कर रहे हैं, ऑब्वियसली रस्म होगी थोड़ी देर में, लेकिन याद रखिए, हमेशा याद रखिए, एट द एंड ऑफ द डे बेटियाँ घरों से रुखसत होती भी अच्छी लगती हैं। अगर आप किसी से मोहब्बत करते हैं, अपनी माँ के पाँव में बैठ जाइए, उनसे रिक्वेस्ट कर लीजिए कि अम्मा मुझे यहाँ शादी करनी है, पैसा नहीं है उनके पास, हम जहेज नहीं लेंगे। और अगर आप किसी बेटे की वालदा हैं तो इससे पहले कि बेटा आपसे कहे, आप अपने बेटे को स्ट्रिक्टली मना करें कि बेटा सब कुछ सही है, मैं तुम्हारी शादी तुम जहाँ कहोगे करूँगी, लेकिन जहेज का एक दाना भी हमारे घर नहीं आएगा, तुम काम करोगे। छोटा सा एक ब्रेक है जी, ब्रेक के बाद रस्म का आगाज़ करते हैं और फिर वो ऐलान जो मुझे करना है, आपसे मिलते हैं इस ब्रेक के बाद। Yeah.
अच्छा जी आइए जी रस्म का आगाज करते हैं एंड लेट्स सी सलमा जी शुरू कीजिए लेकिन इससे पहले आपको एक काम करना है आपको शानी भाई से माफ़ी मांगनी है सॉरी कहना है और गले मिलना है और ऐसी कोई बात नहीं करनी जो गलत है शानी से प्लीज आइए गले मिलना भाई सॉरी 24 साल पुरानी दोस्ती माफ़ी मैंने क्यों कर ली थैंक यू अल्लाह करे तुम भी मेरी तरह गंजे हो जाओ पूरे कम्बल भाई ये पक्की दोस्ती हो जाएगी ना नो इट इज जस्ट अबाउट आई थिंक हमको सही मैसेज देना चाहिए प्रॉपर मैसेज देना चाहिए और प्रॉपर मैसेज ये है रिस्पेक्ट फॉर एवरीवन रिस्पेक्ट फॉर ऑल द रिलेशंस इन द वर्ल्ड बहुत बहुत शुक्रिया थैंक यू एंड थैंक यू बोथ ऑफ यू बहुत शुक्रिया बहुत बहुत सलमा जी आइए हाँ जी आप लोग आ जाइए प्लीज शुरू कीजिए आप सबने रस्म करनी होगी एक एक करके होगा या सब एक साथ ही करेंगे आमने सामने आ जाएं एक एक करके और एक जो इस ट्रे के ऊपर सबसे ज्यादा लड़ाई होती है कोई एक आ जाएंगे ये क्या होता है इस पे सबसे ज्यादा लड़ाई होती है ये बहुत खास दुल्हन से भी ज्यादा अहमियत की हामिल ये ट्रे होती है इसलिए कि ये लड़के की बहनें और लड़की की बहनें इस बात पे जंग करती है ये पकड़ेगा कौन क्योंकि जो पकड़ेगा वो सबसे ज्यादा उसकी पिक्चर्स होती है दुल्हन के साथ सॉरी मैं तो इसलिए नहीं पकड़ी सीरियसली क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट पर्सन खड़ी हो जाइए ना बहुत इंपॉर्टेंट पर्सन होता है जो सो यू आर वेरी इंपॉर्टेंट अच्छा जी स्टार्ट कीजिए रस्मों को स्टार्ट कीजिए पांच मिनट हमारे पास हैं बताती रहिएगा क्या क्या कर रहे हैं स्टार्ट हम सबसे पहले करते हैं कि हम फूलों के जेवर से ठीक है ओके और और उसके बाद हम और उसके बाद हम स्टार्ट करेंगे उपटन से क्योंकि ये माइयों हैं तो हम इसमें उपटन लगाते हैं ओके ठीक है ये पता क्यों अच्छा ये उपटन घर की बनी हुई होती है या बाहर से यूजुअली लोग घर की बनी हुई इस्तेमाल करते हैं और अच्छी भी घर की ही होती है उपटन क्या हल्दी होती है सिर्फ ओनली हल्दी इसमें बेसन सारी चीजें हमने कितनी दफा अपने प्रोटोको में ये चीज बताई आपको नहीं लगी थी मैं शादियाँ नहीं करता भाई कुछ लोगों में वो उपटन वाले दिन तेल लगा देते हैं क्योंकि अब लड़कियाँ मेहंदी वाले दिन काफी तैयार हुई होती हैं तो उससे ये होता है कि फिर मेहंदी वाले दिन तेल लगाने की जरूरत नहीं पड़ती ओके तो मायों वाले दिन ही लगा देते हैं अच्छा तो हमने इस वक्त जो चीजें की हैं गजरे पहनाए हैं उपटन लगाया है तेल लगाया है और मिठाई खिलाई और देन हम वारना करते हैं ओके अच्छा एक और भी रस्म होती है ना वो सात जो सुहागने होती है ये बेसिकली ये जो मेहंदी और माइयों के जो ये रस्म करती हैं वो नॉर्मली एक हमारा हिंदुआना रिवाज भी है कि हमारी कोशिश होती है कि सात सुहागने ये करें मैं पहनाऊंगी चूड़ियाँ अच्छा माइयों में चूड़ियाँ भी पहनाते हैं नहीं आई एम क्रिएटिंग दिस रस्म के चूड़ियाँ आप खुद ही क्रिएट कर रही हैं हां लाइक मैं गुड 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 अच्छा बिकॉज़ चूड़ियों की तरह हमारी दुल्हन हमेशा चहचहाती रहे खुश रहे और रौनक रखे घर में मुझे पता नहीं ये दुल्हन देखिए हस्बैंड्स को साइड में कहते हैं वो तो चहचहाना लेके कहते हैं यार बिल्कुल बिल्कुल चहचहाए अल्लाह ताला बेटा आपको बहुत ज्यादा चहचहाता रखे हमेशा इसी तरह से अपने घर में प्लीज बनाइए अरे आप लोग क्या बिल्कुल डेड हो गए हैं तालियां वाली तो बजाएं मीठी मीठी बातें आज एक नई रस्म हो गई है जी चूड़ियाँ भी पहना रहे हैं हम हमारे यहाँ होती है ये रस्म चूड़ी और जाती है हर लड़की अलग अलग कलर्स की चूड़ी पहनाती है और फिर वो उसको दुआ देती है ओह रियली ओके एग्जैक्टली दुआ तो बहुत तो यार फिर एक बात है ना आप लोग अलग अलग कलर की चूड़ी पहनाइए और दुआ दीजिए मुझे आपकी दुआ सुननी है इनके लिए दो मिनट है हमारे पास जल्दी से गहना पूरा मुकम्मल फूलों का होता है जिसमें मान टीका होता है ओके जी हम ये गहने गजरे हैं कल मेहंदी का शो है तो कल भी बड़ा मजे का शो होगा डोंट वरी आज मायों की रस्म है और ये इयररिंग्स पहना दिए थैंक यू जी थैंक यू सो मच बहुत शादी के बाद जो है ना वो कान जो है जल्दी जल्दी क्विक 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 सदफ आप भी आ जाइए और अरोहा आप भी आ जाइए जल्दी से आइए हां जी नो टाइम चूड़ी वोरी चूड़ी हां जी दुआ चाहिए मुझे आप लोगों की अल्लाह आपको हमेशा खुश रखे और आप जैसी ज़िंदगी चाहती हैं वैसी ज़िंदगी गुजारने का मौका मिले अल्लाह पाक तुम्हारे मियाँ का साया हमेशा तुम पे सलामत आमीन आमीन अरोहा बस मैं एक चीज़ कहना चाहूँगी कि एक दूसरे की इज्जत करें और हमेशा खुश रहें लाइए मुझे दीजिए आप भी जल्दी से कर दीजिए रसम खाती रहो मिठाई खिलाऊंगी सीरियसली बहुत ज़रूरी होता है Enjoy. All done. अच्छा जी अब दो चार बातें हैं जो मैं करना चाहता हूँ आप सबका बहुत शुक्रिया कल मेहंदी का शो होगा वो ज़रूर देखिएगा लेकिन
आज नहीं नहीं कोई क्या कोई ड्रामा थोड़ी है, आज शाम को मेरी प्रेस कॉन्फ्रेंस जो है उसको ज़रूर देखिएगा। आई थिंक 5 बजे का वक्त है, हो सकता है इससे थोड़ा सा लेट हो जाए तो फिक्र मत कीजिएगा, लेकिन 5 बजे मैं 3 लोगों के बारे में बात करूँगा, नाम लेके 3 लोगों के बारे में, तो आज शाम ज़रूर देखिएगा। और चौथे आदमी के बारे में बात होगी 1 हफ्ते के बाद। आज सवाल मेरा नहीं है, आज सवाल मेरी हार या जीत का नहीं है, आज सवाल आप लोगों का है, आज सवाल आप लोगों का जो देख रहे हैं। मैंने अपने बारे में हर चीज़ हमेशा माफ़ की, हमेशा माफ़ की। आपने मुझे गलत कहा, मैंने आपको तब भी माफ़ किया। आपने मुझे इम्पोस्टर कहा, आपने मुझे बहुत सारे नाम दिए। आपको बहुत सारी चीज़ें मेरी पिक्चर में नज़र नहीं आई। आपका जहन मुझ में इतना उलझा हुआ है कि आपको गाने तक नज़र नहीं आ सके, आपको सिनेमाटोग्राफी जो है वो नज़र नहीं आ सकी, आपको इसका म्यूज़िक नज़र नहीं आ सका, आपको इसका एक्शन नज़र नहीं आ सका, आपको इसमें डायलॉग डिलीवरी नज़र नहीं आ सकी, आपको इसमें और बहुत सारी चीज़ें नज़र नहीं आ सकें। तो आज मैं आपको बताऊँगा कि आपको क्यों नज़र नहीं आई और आपने क्यों जानबूझ के ये सब लिखा जो आपने लिखा। तो आज मैं उन तमाम लोगों के लिए जो मुझे देखते हैं, मुझे पसंद करते हैं, मुझे चाहते हैं, आज 5 बजे आप लोग ट्यून कीजिएगा News 1, और थोड़ा अगर लेट हो जाए तो कोई मसला नहीं, इंतज़ार कर लीजिएगा, आपको अपडेट फेसबुक पे मिलती रहेंगी। क्योंकि आज के बाद अगर आपने मेरी बात सुन ली तो आप समझ जाएंगे कि आपकी ये हालत क्यों है। आज के बाद इस बात पे पूरा पाकिस्तान एक्शन लेगा। मैं फैसला आप पे छोड़ूंगा। मेरी मदर ने मुझे ये तरबियत नहीं दी कि मैं लोगों से जाकर शिकायत करूँ या लड़ूँ, लेकिन जब बात मेरे मुल्क की आ जाए और उसके लोगों की आ जाए तो मैं खामोश नहीं रहूँगा। मैं ग्रीन कार्ड होल्डर हूँ, पाकिस्तान में रहता हूँ, पाकिस्तान के लोगों के लिए काम करता हूँ। मेरी नेशनैलिटी पाकिस्तानी है। मैंने आज तक अमेरिकन पासपोर्ट इसलिए नहीं लिया क्योंकि मुझे अपना पासपोर्ट देना होता या मेरे नाम के आगे कोई और शहरियत आ जाती, ये मुझसे बर्दाश्त नहीं। मैं अपने लोगों के लिए ज़िंदा हूँ और मैं उनके लिए मरते दम तक काम करूँगा। कल जो बात हुई है, कल शाम 7 बजे तक मैंने हर चीज़ माफ़ करने का सोचा था। कल शाम 7:01 पे मैं हर चीज़ का हिसाब लेना चाहता हूँ, क्योंकि तुमने बात मेरी नहीं की है। मेरी बात तुमको माफ़ है, हर वो बात माफ़ है जिसमें मैं हूँ, लेकिन हर वो बात जिसमें मेरा मुल्क है और मेरे लोग हैं, मैं तुम्हें माफ़ नहीं करूँगा। शाम को